हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। ये है बजट 2019-20 का। तो ये जो बजट पेश हुआ था आपका 22 जनवरी 2019 को पेश हुआ था, और जो एग्जाम का जो तिथि निर्धारित किया गया है वो आपका 23 फरवरी को निर्धारित है। तो अगर उस समय तक ये बजट आ चुका रहेगा अगर ये 2020-21 का, तो इसमें से कुछ आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन अगर बजट उस समय तक पेश नहीं किया गया तो ये पूर्णतः आपको इस बजट पर निर्भर करना होगा। इसलिए मैंने ये बजट आपको आज समझा दे रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है पारी पार से देख लेंगे। ये जो बजट 22 जनवरी 2019 को पेश किया गया था, तो 22 जनवरी 2019 को ये बजट मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा लगातार 5वीं बार पेश किया गया था, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। तो ये जो उनका जो कार्यकाल जब से आरंभ हुआ तब से ये 5वीं बार उन्होंने लगातार ये बजट पेश किया है। तो ये याद रखना है किस तारीख को बजट पेश किया गया, ये याद रखना है। अब देखिए, बजट की जो राशि थी, बजट की जो मात्रा था या उसका सीमा था, वो कितना था? 85,429 करोड़ रुपये का ये बजट था। याद रखना है 85,429 करोड़ रुपये, क्योंकि अभी जो BPSC PET हुई थी, 65वीं PET, उसमें बजट की राशि ही अमाउंट ही पूछ दिया गया था कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो बजट आपका कितना हुआ? 85,429 करोड़ रुपए। विगत वर्ष ये कितना था? 80,200 करोड़ रुपए। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि ये जो इस साल 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, पिछले वर्ष से कितना अधिक है। ठीक है, तो पिछले वर्ष कितना अधिक हो गया, यहाँ आप देखेंगे ये हो जा रहा है आपका 5,229 करोड़ रुपया अधिक का बजट पेश हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने प्रश्न में आता है। राजस्व व्यय कितना था? 65,803 करोड़ रुपए, और पूंजीगत व्यय हो गया आपका 19,626 करोड़ रुपए। ठीक है, इन दोनों को आप सम करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 85,429 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन भी अगर पूछ देता है पूंजीगत और राजस्व व्यय का, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका इतना आना चाहिए 85,429, और उसी अमाउंट पर आपको आंसर करना है। ठीक है, कभी कभी कॉम्बिनेशन पूछ देता है कि इन दोनों में से किसका कॉम्बिनेशन है जो कुल बजट को दर्शाता है, तो बजट राजस्व व्यय और पूंजीगत को जोड़ने पर आपका कुल बजट की मात्रा आ जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे सामान्य और सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्र में कुल कितने व्यय किए गए। तो देखिए, सामान्य प्रक्षेत्र में, सामान्य एरिया में आपका, जनरल एरिया में आपका 23,377 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सामाजिक कार्य के लिए 28,882 करोड़ रुपए के लिए, तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये इनमें आपको, इनसे जनरली आपको पिछले वर्ष के प्रश्न नहीं आते, अगर पिछले वर्ष का डाटा नहीं पूछता है तो आपको बस कम से कम इनका जो है, जो भी ये डाटा दिया गया है, इसको एकदम याद रखना, मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि प्रश्न बहुत आते हैं इनसे। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33,377, सामाजिक 28,882, और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण जो कुछ डाटा है। राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले में से पॉइंट्स में से है, ये है 2,36,686 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष कितना था? 2,21,587 करोड़ रुपए, और उससे ये कितना था? 6.9% अधिक था। ठीक है, पूछ दिया जाता है प्रश्न में से कि GSDP इस वर्ष का 2,36,866 करोड़ रुपए है, तो ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, या पिछले वर्ष से कितना अधिक है? ठीक है, पिछले वर्ष से कितना अधिक है, तो आपको पुराना डाटा याद होना चाहिए कि 18-19 में कितना था, और पिछले वर्ष से कितना अधिक है प्रतिशत, तो ये 6.9% लगभग 7% अधिक है। तो कभी 7% दे दे या 6.9% दे दे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो ये 83,513 रुपया ये आपका वर्तमान मूल्य पर ये अनुमानित किया गया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो 2019-20 में रहेगी, संभावना है कि 83,513 रुपया हो, और ये पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष कितना था? पिछला वर्ष देखिए ये था 76,806 रुपये,
उसके भी पिछले वर्ष 70,728 रुपया था, ठीक है। तो ये पिछले वर्ष था 76,806, उसके तुलना में आपका ये 8.73% अधिक होने की संभावना है। तो ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर बजट 19-20 में 83,513 रुपये होने का अनुमान है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि 19-20 खत्म नहीं हुआ, इसलिए सारे फिगर जो भी दिया गया ये सारे अनुमानित फिगर है, ठीक है। तो अनुमान का, अनुमान के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बजट में अनुमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आइए देखते हैं बजट में कि अन्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं राज्य सरकार द्वारा की गई हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एक मीठी क्रांति के बारे में आया है, ठीक है। मीठी क्रांति क्या है, या शब्द दिया है मीठा, तो समझ जाइए कुछ मीठे से संबंधित ही होगा। तो इसके अंतर्गत 1200 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। कुल 1200 किसानों को मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन के द्वारा क्या होगा, मधु का उत्पादन किया जाएगा, इसलिए इसे मीठी क्रांति नाम दिया गया है। उसके बाद इसमें नवजातों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए तथा कौशल विकास हेतु, ठीक है, कौशल विकास हेतु गुरुकुल की स्थापना प्रत्येक जिले में करने का प्रावधान किया गया है। मतलब राज्य के प्रत्येक जिले में कौशल विकास हेतु गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। गुरुकुल है तो जाहिर सी बात है शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कौशल विकास किया जाएगा, ठीक है। और मीठी क्रांति हो गई आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित। आगे देखिए, साक्षर झारखंड अभियान। तो साक्षर झारखंड अभियान के तहत क्या होगा, 43 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए राज्य सरकार की योजना है, ठीक है। जो निरक्षर बिल्कुल ही जो अनपढ़ है उनको साक्षर बनाने के लिए ये आपका साक्षर झारखंड अभियान एक योजना चलाई जाएगी। देखिए, योजना का नाम याद रखना है, साथ में उसका उद्देश्य क्या है उसको भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर फिगर दिया हुआ है तो जैसे यहाँ 1200 किसान है, 43 लाख है, तो ये याद रखना, ठीक है। कौशल विकास हेतु जो गुरुकुल की स्थापना होगी झारखंड के सभी जिलों में, इस टाइप से आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये है मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना। तो ये मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना होगी, जिसे आप समझ लीजिए बाइक एम्बुलेंस, मतलब बाइक प्राय दूर सुदूर क्षेत्रों में भी जा सकता है जहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो बाइक एम्बुलेंस का उद्देश्य ही होगा कि ऐसे सुदूर क्षेत्र जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाना ही इस बाइक एम्बुलेंस का उद्देश्य होगा। तो ये हो गया मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना। फिर आगे देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख परिवारों को LPG की सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट 19-20 में प्रावधान है ये, और ये पिछले वर्ष कितना था, पिछले वर्ष याद रखिए, पिछले वर्ष का डाटा ये 15 लाख था, 15 लाख पिछले वर्ष 18-19 में, और 19-20 में आपका 25 लाख, मीन्स 10 लाख अधिक परिवारों को LPG सुविधा उपलब्ध कराने का ये सरकार का योजना रहेगा। फिर देखिए, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, इसका उद्देश्य होगा कि 8वीं कक्षा से ऊपर तक, 8वीं कक्षा से ही छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान कुल बजट का 11.82% रहेगा, अर्थात लगभग 12% हो जाएगा। ये आपका मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसमें कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी छात्र छात्राओं के जो कि 8वीं क्लास से ऊपर हैं, ठीक है, मीन्स 8वीं क्लास से ही आरंभ कर दिया जाएगा उनको प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने लायक योग्य बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मछली पालन तकनीक का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो कि पूरी तरह से कुशल नहीं है, तो उनको मछली पालन के बारे में बताया जाए ताकि वे लोग अपने रोजी रोटी चला सकें। फिर नेक्स्ट देखिए, 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम, ठीक है, कोल्ड रूम अर्थात कोल्ड स्टोरेज होंगे, इनका जो स्थापना करने का लक्ष्य है ये सरकार का, बजट 19-20 में ये प्रावधान किया गया है। फिर 21 जिलों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने का ये व्यवस्था किया जाएगा ये महिलाओं के लिए। साथ ही चार ग्रिड सब स्टेशन के खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और गुमला। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और गुमला में 4 ग्रिड सब स्टेशन खोलने का ये राज्य सरकार का अपना प्लान है। इसके अलावा देखिए, और कुछ योजनाएं हैं जो, जैसे कि 350 सरकारी भवनों पर अटैच्ड सोलर प्लांट, सरकारी भवनों पर कितने, 350 सरकारी भवनों पर अटैच्ड सोलर प्लांट लगाने का सरकार का प्रावधान है इस बजट में। और रांची रेडियो, ये रांची यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के रांची रेडियो, ताकि जहां जिससे
यूनिवर्सिटी के साथ साथ रांची की खबरें भी प्रसारित की जा सके, तो ये रांची रेडियो का भी सरकार का प्लान किया गया है। इसके अलावा गुड्डा में सरकारी स्कूल, गुड्डा में सरकारी नहीं सैनिक स्कूल खोलने का राज्य सरकार का प्लान है। तो ये कुल मिलाकर ये 13 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि ये 13 प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रख लेना है, जो कि बजट 19-20 में प्रावधान किए गए हैं। फिर से अगर तेजी से देखेंगे तो बजट का आकार था 85,429 करोड़ का, जिसमें जो कि पिछले वर्ष 80,200 करोड़ रुपये था, ठीक है। राजस्व व्यय 65,803 करोड़ और पूंजीगत व्यय 19,626 करोड़, दोनों को जोड़ेंगे तो 85,429 करोड़ रुपया हो गया। सामान्य प्रक्षेत्र में 23,377 करोड़ रुपया, सामाजिक प्रक्षेत्र में 28,882 है, तो आर्थिक प्रक्षेत्र में 33,170 है। सकल घरेलू उत्पाद 236,866 करोड़ रुपये हो गए, जो कि पिछले वर्ष 221,587 करोड़ था और 18-19 में यह 6.9% अधिक था। वहीं प्रति व्यक्ति रहे 19-20 में प्रति व्यक्ति आए 83,513 रुपये रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.73% अधिक रहेगा। पिछले वर्ष था 76,806 और उसके पिछले वर्ष 17,728 रुपये था, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन चलाए गए। मीठी क्रांति योजना, 1200 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए, नवजात शिशुओं के लिए विशेष प्रावधान, कौशल विकास हेतु गुरुकुल की स्थापना राज्य के प्रत्येक जिलों में। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना, सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा के पहुंचाने के लिए, साक्षर अभियान झारखंड अभियान, जो कि यहाँ के जो 43 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए, उज्ज्वला योजना 25 लाख परिवारों को LPG की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ये पिछले वर्ष 15 लाख था, ठीक है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, जो कि कुल बजट का 11.82% है, इसका उद्देश्य होगा क्लास 8 से ऊपर के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने लायक यथार्थ प्रतियोगिता परीक्षा को में पास करने योग्य बनाने के लिए उनको सुविधा उपलब्ध कराना या फिर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। मछली पालन तकनीक का प्रचार प्रसार, 100 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज का स्थापना, 21 जिलों में वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए, फिर 4 ग्रिड सब स्टेशन साहेबगंज, पाकुड़, गुड्डा और गुमला। इसके अलावा हो गया 350 सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट और रांची यूनिवर्सिटी से कोलेब्रेशन में, और गोड्डा में सैनिक स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है, गोड्डा में सैनिक स्कूल जो स्थापना की जाएगी, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस प्रकार के ये सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए जो ये आगामी जो JPSC के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इन सारे तथ्यों को अच्छी तरह से आपको रट लेना है, कम से कम ये जो डेटा है ये जो देख रहे हैं 5-10 फिगर डेटा दिए हुए, ये तो बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो है इनमें कौन सी योजना किस लिए है इनको भी याद रखिएगा, और उनके संबंधित जो आंकड़े दिए हैं उनको भी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये इनसे प्रश्न जो है बिल्कुल आते ही नहीं आते हैं। अगर JPSC की एग्जाम आपका 23 फरवरी को हो जाती है तो ये मान के चलिए कि ये जो आपके 15-20 टाइप के जो डेटा दिए हैं इनसे 2-3 प्रश्न तो पक्का आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। आगामी वीडियो में हम लोग देखेंगे JPSC एग्जामिनेशन में, आप मैंने तो बुक्स तो बता चुके हैं बट स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए मैंने अनाउंस की थी कि आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बता देती हूँ, ताकि आप जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में JPSC की तैयारी कर सकें और अधिकारी के रूप में एक अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।